बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी फ्रूट चाट की रेसिपी। इस रेसिपी को आप ज़रूर से रमज़ान शरीफ में ट्राई करिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस से बनकर रेडी होती है। रमज़ान में हर घर में फ्रूट चाट ज़रूर से बनती है, तो आप मेरी रेसिपी से रमज़ान शरीफ में ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम एक बाउल में तकरीबन एक प्याली के करीब खरबूजा ऐड कर देंगे। खरबूजों को मैंने छील के इस तरह से कटिंग कर लिया है और अब हम इसमें एक प्याली सेब ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें एक प्याली कटिंग किए हुए अमरूद ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें एक प्याली चीकू ऐड कर देंगे। और अब हम एक प्याली इसमें पपीता ऐड कर देंगे। पपीते को मैंने छील के इस तरह से कटिंग कर लिया है। फ्रूट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी सीजन वाइज अवेलेबल हो आप ऐड कर लीजिएगा। अब हम इन तमाम फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट्स को आप कटिंग करने के बाद फ़ौरन से फ्रूट चाट में ऐड कर लीजिएगा, ख़ास तौर पे अमरूद, सेब और केला को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी डार्क होने शुरू हो जाते हैं। और अब हम लास्ट में इसमें केला ऐड कर देंगे। केला हम लास्ट में इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी डार्क सा हो जाता है, तो इसलिए हम इसे लास्ट में ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 3 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के करीब इमली आलू बुखारे की खट्टी मिट्टी चटनी ऐड कर देंगे। चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अब हम इन तमाम फ्रूट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मज़ेदार सी बेहतरीन सी हमारी फ्रूट चाट बनकर रेडी हो चुकी है। आप इस रेसिपी को रमज़ान शरीफ में मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये देखें जी, कितनी बेहतरीन सी फ्रूट चाट बनकर रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें सर्व करने के टाइम भी चटनी ऐड कर सकते हैं, ये देखें जी इस तरह से। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी बनकर रेडी होती है। आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।